لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ज़मीन में एक रिवायत जिसे इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में रिवायत किया है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू खुद इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जन्नत में तेरा एक ख़जाना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसको इमाम हाकिम ने हदीस नंबर 4623 के तहत रिवायत किया है और हदीस नंबर 4624 में एक और रिवायत लाते हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से कि हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अलीयुन मन फ़ारक़नी फ़क़द फ़ारक़ल्लाहा, के ऐ अली जिसने मुझे छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। व मन फारका का या अली फकद फारकनी, और ए अली जिसने तुझे छोड़ा उसने मुझे छोड़ा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मौला अली को छोड़ना हुजूर को छोड़ने के मुतरादिफ है और हुजूर को छोड़ना अल्लाह को छोड़ने के मुतरादिफ है। ये शान मौला अली करमल्लाहु वजहू है। यह हदीस भी सहीहुल इस्नाद है लेकिन शेखैन ने इसे नकल नहीं किया और पिछली रिवायत जो आपसे जिक्र की हज़रत अली खुद रिवायत करते हैं बल्कि कि हुजूर ने फरमाया कि ऐ अली जन्नत में तेरा एक ख़जाना है, और ये रिवायत भी सहीहुल इस्नाद है लेकिन शेखैन ने इसको नकल नहीं किया, और शेखैन से मुराद होता है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।